الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد الحمد لله رب العالمين السلام عليكم عزيزان محترم आज का मेरा ये बयान खुसूसी तौर पर मखसूस है शब कद्र की रातों के आमाल के हवाले से, बिलखसूस ये कि 21 रमजान मुबारक और 23 रमजान मुबारक की रात के क्या खास आमाल हैं। जो मुश्तरक आमाल मैंने बयां किए शब कद्र की रातों के हवाले से, वो आपने तमाम अंजाम देने हैं। और उसके अलावा 21 रमजान मुबारक की रात को आपने दुआ जोशन कबीर पढ़नी है। रवायात ये बताती हैं कि इस दुआ को पढ़ने की फजीलतें और बरकतें बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा सहीफा सज्जादिया की दुआएं हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं 21 रमजान मुबारक की रात को। इसके साथ ज्यारत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पढ़ने की फजीलत भी बहुत ज्यादा है। 21 और 23 रमजान मुबारक की रात के बारे में कहा जाता है कि इन दोनों में से कोई एक रात शब कद्र है। जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मौला 21 रमजान मुबारक की रात शब कद्र है या 23 की, तो आपने किसी रात का तायुन नहीं किया, बल्कि आपने फरमाया कि इसमें क्या हर्ज है कि अगर तुम इन दोनों रातों में नेक आमाल अंजाम लाओ। तो अज़ीज़ान मोहतरम, 21 रमज़ान मुबारक और 23 रमज़ान मुबारक दोनों रातें मखसूस हैं शब कद्र से। ज़्यादा रवायात इस बात पर जोर देती हैं कि 23 रमज़ान मुबारक की जो रात है वो शब कद्र है। 23 रमज़ान मुबारक की रात के क्या आमाल हैं, सिलसिले में रवायात ये बताती हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में अपना बिस्तर लपेट देते थे, यानी वो रात को सोया नहीं करते थे, शब बेदारी किया करते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में अपनी रातों को गुजारते थे और अपने तमाम अहलो अयाल को भी जागने का हुक्म देते थे। यहाँ तक कि अगर किसी शख्स पर नींद का गलबा होता था तो उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे जाते थे। जनाब फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने घर के किसी भी फर्द को 23 रमज़ान मुबारक की रात को सोने नहीं देती थी। नींद का इलाज कैसे करती थी कि बीवी फरमाती थी कि दिन को सो जाओ ताकि रात को जाग कर इबादत कर सको। आपने फरमाया, बदकिस्मत है वो शख्स जो आज की रात के भी खैर और शर से महरूम रह गया। लिहाजा अज़ीज़ान मन, सबसे अहम और सबसे ख़ास अमल जो 21 और 23 रमज़ान मुबारक की रात का है वो शब्बेदारी है। इसके साथ साथ सूरह हामीम दखान पढ़ने की फजीलत बहुत ज़्यादा है। रवायात के मुताबिक सूरह रूम और सूरह अनकबूत के पढ़ने की फजीलत बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक के इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कसम उठाते हुए ये फरमाया कि जो शख्स भी आज की रात इन दो सूरतों की तलावत करेगा तो वो अहले जन्नत में से होगा। इसके साथ 1000 मरतबा सूरह कद्र को पढ़ने की रवायात भी हमें मिलती हैं। और सबसे ज़्यादा और बार बार जो दुआ पढ़ने की ताकीद हमें आती है वो दुआए फरज है, यानी दुआए ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम। खुदाबंदे आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमारे आमाल को, हमारी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें ये तौफीक दे कि हम उसकी रज़ा और खुशनुदी को हासिल करने के लिए अमल जद्दोजहद कर सकें। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।